जब हम किसी ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, आपके ऊपर एक व्यापार की जिम्मेदारी है, आप उस बिजनेस के ओनर हैं, जो भी महानुभाव आपके कार्य के साथ में जुड़े होते हैं, तो उसकी धीरे धीरे काबिलियत हमको समझ में आने लगती है कि ये व्यक्ति वित्तीय गणनाओं में अच्छा है, ये व्यक्ति टेली मार्केटिंग में अच्छा है, इस व्यक्ति की जो कुव्वत है वो सारी की सारी स्थितियों को क्राइसिस के साथ मैनेज करने की है। तो उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाता है। एक व्यक्ति यस मैन है, जिसको आप सुबह 6 बजे भी कॉल करते हैं, रात को 12 बजे भी कॉल करते हैं, उसकी उपलब्धता हमेशा हमारे जीवन के साथ में बनी रहती है, यानी कि हमको जब आवश्यकता हुई उस व्यक्ति ने हमारे कार्य को परिपूरित करने का कार्य कर दिया। तो ऐसे लेवल के ऊपर पोजीशंस को मैनेज किया जाता है, हम सिस्टमैटिक वे में लेकर चलने वाले होते हैं। उसी तरह से भीतर भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ऊर्जा, सकारात्मक चिंतन, हमारा इंट्रिंसिक नेचर, जो कई पोजीशंस के साथ में चलकर हमको विजय दिलाने का काम करता है। एक छोटा सा हुनर जो बहुत पहले हमारे भीतर बीजारोपित हुआ था और आज उसने जाकर एक बहुत बड़े फ्रेम के साथ में हमको जीविकोपार्जन का माध्यम दिया। तो प्रत्येक स्तर के ऊपर ऐसी ही सारी स्थितियों को लेकर चलना और उन रिसोर्सेस को मैनेज करना, ये हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपके भीतर के रिसोर्सेस क्या है उसको पहचानें, और फिर जब व्यक्ति व्यवस्थित तौर पर प्रत्येक दिन कामकाज में लगता है तो काफी हद तक सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित करता है। निराशाएं पनप नहीं पाती, आशा का दीप सदैव प्रज्वलित रहता है। तो यहां हम आज 21 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। मंगलवार रहेगा, वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि स्थान में ही विराजित रहेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में ही गतिमान हैं, तो वहीं उत्तरा भाद्रपद की सूर्योदयकालिक जो स्थितियां हैं वो इस दिवस में रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में चलते हैं तो निवेश सावधानी पूर्वक आज करें, या फिर अगर आज के दिन को टाला जा सकता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी भी तरह का ऋण देने और लेने से आपको बचना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो छोटी छोटी बातों के ऊपर घर परिवार में कहा सुनी पनप कर आती है उससे हम खुद को कितना दूर रख सकते हैं, उस प्रेम से हम खुद को कितना अवॉइड कर सकते हैं। तो वहीं पर जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, एक लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की जो पोजिशन रहती है वो आपको परेशान कर सकती है। तो इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच जहां पर भी दिखाई दे आप उससे स्वयं को दूर लेकर चलने का प्रयास भी निरंतर तौर पर कीजिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, किसी भी क्षेत्र में क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आप जुड़े रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कोई भी नया ऑफर आए, कोई भी नया प्रोजेक्ट आए, उसको दो बार चेक किया जाए और उसके बाद में ही हामी भरने की व्यवस्थित गतिविधियों को जीवन में लाया जाए, तो एक तरह से बेटर अप्रोच हमारे लिए बनी रहेगी। गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन आपके एक तरह से प्रत्येक स्तर के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा को निहितार्थ करने वाला रहेगा। वृषभ राशि, एकादश भावस्थ जब चंद्रमा की स्थितियां हो तो व्यक्ति सर्वप्रथम एक बात के ऊपर गौर करके चले कि उसके लिए शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में निवेश एक बेटर लेवल के साथ में दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप कोई ऐसा महत्वपूर्ण निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश की कैलकुलेशन को हम एक अच्छे लेवल के साथ में ऑब्जर्व और एनालिसिस कर पाते हैं। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में आज आपकी एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। कोई भी रिलेशन आपने अपने पर्सनल लाइफ के साथ में मेंटेन किया, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में आप चल रहे थे, व्यक्तिगत जीवन के अंदर उस रिलेशन को मेंटेन किया, उसकी महक आसपास जीवन में चल रही है, अभी मिलना नहीं हो पा रहा है किंतु टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस लगातार चल रही है, तो वहां से आप खुद को और अच्छे से इवॉल्व करके चलने वाले रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण कैलकुलेशन, तो वहीं पर आपको इस बात के बारे में भी गौर करना चाहिए कि माता और पिता के साथ में और एक तरह से रिश्तों में गृहस्थ की वजह से जो तल्खियां बनी हुई थी, हल्की फुल्की परेशानियां बनी हुई थी, वो भी सॉर्ट आउट होने की तरफ बेहद अच्छे से जा सकती है।
स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है, इस बात से आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। भाग्य का सहयोग अत्यधिक स्तर के ऊपर आज जीवन में नई खटखटाहट दे रहा है, तो उसको भी आप महसूस करके चलिएगा। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद आज भी आपके लिए बनी हुई है, यानी कि वो जिस तरह से स्टडीज कर रहे हैं, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं, और आप उनका डेडिकेशन महसूस कर पा रहे हैं और अपनी उम्र याद कर पा रहे हैं कि उस समय हमने किस तरह की मेहनत की थी, आज वो ही झलक, वो ही रिफ्लेक्शन हम अपनी संतान में भी देख पा रहे हैं, तो व्यक्ति उस समय गर्वोक्ति के एहसास के साथ में चलता है और वही स्तर आज आपके लिए एक बहुत अलग लेवल लेकर खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से इस दिन की पॉजिटिविटी को महसूस करके चलिएगा आप। मिथुन राशि, आजीविका के जो साधन व्यक्ति विकसित करता है और कई बार संशय में रहता है कि उसमें कोई गफलत तो निकल कर नहीं आ रही है, उसमें कोई टेंशिफाइड करने वाली अप्रोच तो नहीं है, कोई बहुत मेजर लेवल के ऊपर डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही है, ऐसी सारी ही चिंताओं से आप आज मुक्त होकर चलेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ चलने वाले महानुभावों के लिए ये दिन बहुत ज्यादा मेहनत मांग रहा है। रिसोर्सेस को मैनेज करने में आज आपको अपनी बहुत अधिक ताकत लगाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहीं इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, किंतु इसके साथ ही साथ में जो दूसरे लोगों द्वारा नकारात्मक ऊर्जा हमको प्रभावित करने वाली होती है, उससे हम जितना खुद को दूर रखते हैं, ऐसे वातावरण से जितना खुद को हम एक तरह से अवर्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, उतना खुद के लिए बेटर लेवल को क्रिएट करने वाले होते हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पुरजोर तरीके से नियंत्रण स्थापित है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप टेक्नोलॉजी की किसी भी अप्रोच के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। परिवर्तन का कोई भी ऑफर आता है, आप उसको स्वीकार करने की ओर जा सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। जो भी महानुभाव वर्क फ्रॉम होम के साथ किसी और पोजीशन के साथ में चल रहे हैं, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को हाई रखें, रिएक्टिव अप्रोच को बिल्कुल लोअर लेवल के साथ में लेकर चलें, तो खुद के लिए एक बेटर लेवल बना रहेगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए वो एक बहुत अच्छे स्तर के साथ में बना हुआ है, तो वहीं पर पराक्रम व्यक्ति का नैसर्गिक गुण मात्र है और जब वो चमक के साथ में आता है तो व्यक्ति का दिन वैसे ही पॉजिटिव है। निराशाएं दूर होगी, आप एक पॉजिटिव फ्रेम के साथ अपने कामकाज में बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये दिन काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। लेखन की किसी भी विधा के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव है, तो यहां पर जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, आपके कामकाज की प्रवृत्ति है, वो और अधिक नयापन देने वाली रहेगी। ये तो एक बात। वहीं जो आपका शौक रहा है, जो आपके भीतर की ऊर्जा का एक माध्यम रहा है, उसको और ज्यादा डेवलप करने की ओर आप जाइएगा। संगीत में अभिरुचि है, आपकी नाट्य कला को देखने में अभिरुचि है, जहां पर भी हम खुद को स्वच्छंद पाते हैं, मंत्र मुग्ध पाते हैं, ऐसे कार्यों की ओर हमको जरूर संलग्न होना चाहिए। एंटरटेनमेंट की जो भी विधा मन के भीतर जुड़ी रहे, नव स्पंदन आप उससे जरूर पाएं, तो वहीं पर कोई भी नई पुस्तक को पढ़ने की आप शुरुआत करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ में गृहस्थ जीवन के साथ जो समय बीत रहा है, उनको आप बताना चाहते हैं कि मेरी क्या प्लानिंग है, उनसे आप जानना चाहते हैं कि उनकी प्लानिंग क्या है, संतान पक्ष को लेकर, पूरे घर परिवार को लेकर हम आगे भविष्य के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं, वो सारी ही बातों के बारे में आपको गौर करके चलना चाहिए, ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा। संतान पक्ष को समझाने के स्तर के ऊपर भी ये दिन बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए। चर्चा करता हूं सिंह राशि की। सर्वप्रथम यहां कोई भी नई शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। वाणी के कामकाज के साथ में जुड़ाव है, धैर्य स्थापित करके रखिएगा, तो वहीं पर जो धनागमन की संभावनाएं होती है वो भ्रम में डाल सकती है। फैसिनेशंस के साथ में कोई भी ऐसा स्टेप लेने से आपको स्वयं को दूर रखना चाहिए। तो वहीं रिसर्च, एनालिसिस और ऐसा ही कोई फील्ड जीवन के साथ में चल रहा है, वहां आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। विदेश में रहकर अपने कामकाज को आप अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक और बात महत्वपूर्ण गणनाओं के साथ में ध्यान रखनी चाहिए कि दूरदर्शिता के साथ में कार्य करने की शुरुआत करें। ये विजुअलाइज करें कि आगे आने वाले दिनों में हमारे कामकाज की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। जब हम उस रिक्वायरमेंट के फ्रेम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं,
तो एक बेहतरी जीवन के भीतर बनी रहती है और यही आज के इस दिवस का मुख्य प्रयोजन भी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए रह सकते हैं जो कि परेशानियों को हल्के फुल्के स्तर पर बढ़ाएंगे, किंतु ऋण देने और लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी ऐसे कार्य के साथ में आपका जुड़ाव है जहां पर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस एक सरी की चलती है, तो उन सारे क्षेत्रों के अंदर भी आपको फोकस करने की आवश्यकता है। अपनी जो स्थितियां हैं और जो हमारा कामकाज का आकलन है उसको हम प्रत्येक स्तर के ऊपर अपने साथ में लेकर रखें और जो एक कमान होती है वो हम अपने ही हाथ में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कन्या राशि, यहां आप दो स्थितियां देखते हैं। सर्वप्रथम व्यापार के साथ में, व्यापार में जो एनर्जी का लेवल बना हुआ है उसमें आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद कही जा सकती है, तो वहीं पर जो हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी थी पिछले दिन थोड़ा सा बेहतर हुआ, आज उसके अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। निराशाओं के वातावरण से दूर होकर आप खुद को फोकस कर पाएंगे, तो वहीं पर जो भी महानुभाव शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं, मित्रों का अपेक्षित सहयोग जो मिलता है, उनके द्वारा जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके इस दिवस की ड्राइविंग फोर्स है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी क्षेत्र में आपको निवेश करना है तो दोपहर के बाद का समय अच्छा है, उस तरफ आप जरूर गौर करें। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है, तो वहीं कुटुंबी जनों के द्वारा जो कई बार व्यक्ति को वाहवाही मिलती है और एक तरह से जो प्रशंसा के शब्द मिलते हैं वो आपके लिए एक ऊर्जा का नया प्रतिमान है। तुला राशि, सर्वप्रथम यहां एक बात गौर करने की आवश्यकता है कि आपके मन के भीतर के जो संघर्ष चल रहे थे उसमें कमी आएगी। निराशाओं से आप पार पाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्तियों में रहेंगे, तो वहीं पर जो पुराने रोग होते हैं वहां अब थोड़ी सी रिकवरी मिलने की उम्मीद भी कही जा सकती है। आप किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए थे जहां अकाउंटेबिलिटी का, जिम्मेदारी का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो वहां पर भी आपके इस दिन के सार्थक प्रयास नव ऊर्जा आपको दे सकते हैं। ये तो एक बात रही, वहीं पर संतान पक्ष से सलाह लेना और उनकी बात को मानना, भले ही तकनीक इन्फ्यूज करने के मामले में हो या कोई और विशेषज्ञ क्षेत्र के मामले में, एक बेटर अप्रोच आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर यहां सामने है। ये भी आप बहुत अच्छे से समझकर चलने का प्रयास करें कि अगर कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है जहां इंस्टेंट बेस के डिसीजंस पूरी ही पोजीशंस को बदल कर रख देते हैं, दो से तीन लोगों की सलाह के साथ में ही आप चलिएगा। विशेष तौर पर गृहस्थ जीवन की सलाह जरूर लें, जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं उनको यश मान की आशा और अपेक्षा कम रखनी चाहिए। अपनी जितनी जिम्मेदारी है हम उसका निर्वहन पूरी तल्लीनता के साथ में करें, यही आज मंतव्य रहे। वृश्चिक राशि, पंचम भावस्थ जब चंद्रमा हो, तो मैंने पिछले दिन भी कहा था कि अगर आप कोई निवेश लंबे समय का करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं, तो वहीं पर जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उनको अपने इस दिन को पूरी सजगता के साथ में निकालना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ आदि भी आप निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाएं। आपकी जो ऊर्जा व्यापारिक स्तर के ऊपर बनी हुई है अभी उसको पूरे तरीके से प्लानिंग के साथ में आप लेकर चलें। हम किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं, हम किस तरह से अपनी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने का काम कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति को मालूम होता है कि एक व्यक्ति इस व्यापार में लीकेज क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से हमारा जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो बहुत लो है, किंतु हम उसकी पर्सनल को दूर नहीं हटा सकते, तो धीरे धीरे हम उसका एक बैकअप क्रिएट करने का कार्य करें, उसके कार्य को समझाने में दो से तीन लोगों को लगाएं जिससे कि ऐसी स्थितियों में स्टर्न डिसीजन लिया जा सके, कुछ ऐसा निर्णय लिया जा सके जिससे कि सुधार की अपेक्षित स्थितियां सामने रहे। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो संतान पक्ष है, घर के जो बच्चे हैं, उनसे आपको एक नई उम्मीद मिलेगी और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आपकी भी यश मान में वृद्धि होगी। यहां पर धनु राशि, चतुर्थ भावस्थ जब चंद्रमा रहते हैं तो व्यक्ति को अज्ञात भय देते हैं, उन अज्ञात भय से आज दूरी की आवश्यकता। चंद्रशेखर अष्टकम, शिव स्तुति की तरफ अगर आप जाते हैं तो और बेहतर, और वहीं पर सूर्योदय के समय अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम आदि की ओर गए और अपने मानसिक चेतना को और अधिक जागृत करने का प्रयास किया, ये दिन सार्थक बना रहेगा आपके लिए। कर्म में थोड़ी सी अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां हैं,
तो वहीं एक और बात, पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव है तो उसमें भी एक बेटर अप्रोच निकल कर आ सकती है, जो एक हामी वाली स्थिति रहती है, दोनों ही तरफ से वैचारिक मतभेद नहीं हो और एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो। ये इस दिन का एक महत्वपूर्ण स्तर मात्र आपके लिए बना हुआ है। एजुकेशन के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, तो इसी वजह से आप प्रयास करें कि विषय से हटकर कुछ पढ़ने की कोशिश करके अपने मन को एक तरह से एंटरटेन करें और एक ऊर्जा के साथ में रिफ्रेशिंग अप्रोच में भी लेकर जरूर हम चलते चले जाएं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं आज आपके लिए बनी हुई है। मकर राशि, देखें आप, पराक्रम भावस्थ चंद्रमा, कोई भी नया ऑफर हमारे लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर आता है। अब यहां पर जो पोजीशंस चल रही है उसमें सवाल ये उठता है कि नया ऑफर किस तरह से, किंतु कई बार हमने देखा है कि आप तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में आपका हुनर बहुत अच्छा रहा है, लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, किंतु आपके हुनर की आवश्यकता महसूस हुई, आपको याद किया गया और कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम के साथ में आप तो ज्वाइन कीजिए, आगे की फॉर्मेलिटीज बाद में देखते चले जाएंगे। तो वहीं से व्यक्ति की स्थितियां पूरे तरीके से परिवर्तित होकर रह जाती है। ऐसी कोई भी संभावना सामने आती है तो हमको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाकर निरंतर तौर के ऊपर चलने का प्रयास भी करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण स्तर भाग्य का सहयोग भी बना हुआ है। तो वहीं मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की प्लानिंग आप करना चाहते हैं और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को भी इन्फ्यूज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लेवल को भी मैनेज करना चाहते हैं और उस कामकाज में एक दूरदर्शिता है, आज और कल का मुनाफा नहीं है, लंबे समय का मुनाफा है, तो आप ऐसी सोच को भी जरूर स्थापित कीजिएगा। कर्ज संबंधी स्थितियों के साथ में अगर आप परेशान रहे हैं, व्यवस्थित तौर के ऊपर ये दिन आपके लिए कुछ नई स्थितियों को और कुछ नए उजाले के स्तर को लेकर आएगा। कुंभ राशि, यहां एक बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि जो वाणी से संबंधित कामकाज होते हैं वहां आपके लिए एक विजय की स्थितियां बनी हुई है। दूसरे स्तर के ऊपर कुटुंबी जनों के साथ जुड़ाव भी एक बहुत गहरे स्तर के साथ स्थापित रहेगा। धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच भी बनी हुई है और सोच के साथ में जो ब्लॉकेजेस बार बार परेशान करते हैं उनको भी आप अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दें तो ज्यादा अच्छा है। व्यक्ति खुद ही एक तरह से जोड़ता है और खुद ही घटा देता है, वो सही नहीं है। जब आपने एक फ्रेम को डिसाइड कर दिया, कोई और नेगेटिव कर ही नहीं रहा है, कोई और पॉजिटिव कर ही नहीं रहा है, हम खुद ही इन दोनों ही स्तरों के साथ में चल रहे हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि वहां सकारात्मकता अपने साथ में जुड़ी रहे। गृहस्थ जीवन के साथ में एक अच्छा समय बीतेगा तो वहीं संतान पक्ष को अपने अनुभवों से पूरे तरीके से लबरेज करके रखें, यही इस समय का एक सार मात्र है। जो आपने हुनर विकसित किया वो दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी जरूर हो, ये भी एक प्रयास रहना चाहिए। मीन राशि, स्वराशि स्थान में जब चंद्रमा विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति के लिए एक कॉन्फिडेंट अप्रोच रहती है, ऊर्जावान एक स्तर बना रहता है। यहां पर धैर्य और साहस दोनों ही आपके स्वाभाविक गुण हैं जिनके साथ में आप चलेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो संशय बने हुए थे वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर जो एक मेंटल लेवल का प्रेशर होता है जो बॉसेस के द्वारा बना रहता है, हमारे कॉलीग्स के द्वारा बना रहता है, वो भी रिलीज होगा। यहां पर आपके कामकाज का यश और मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कुछ ठोस निर्णय आपको आज लेने की आवश्यकताएं रहेंगी। विदेश में रह रहे हैं, किसी भी कार्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां का निर्वहन आपको करना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वाणी में कन्विंसिंग पावर है, तो वहीं शिक्षा के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए रिलेशंस थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किंतु थोड़े से डिस्ट्रक्शंस में हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकताएं नहीं है। तो ये था 21 अप्रैल 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।